वोटों की गड्डी लहराते हुए दिखे तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सदन के बाहर यमुना का पानी लेकर सरकार के खिलाफ बरसते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। दिल्ली विधानसभा में नोट कार्ड, सदन में लड़ाई, गड्डी लहराए। दिल्ली विधानसभा में लहराए नोट, यमुना का गंदा जल, फुल ऑन सियासी दंगल। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन आम आदमी पार्टी के विधायक ने नोटों की गड्डी लहराई। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में माफिया पैसे लेकर नौकरियां दे रहे हैं, मुझे चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई। आज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं, ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे। गोयल 15 लाख के नोटों की गड्डी झोले में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने झोला से नोट निकालकर टेबल पर रख दी। सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। उन्होंने नोटों की गड्डियां हाथों में उठाकर कहा, ये वो टोकन मनी है जो मुझे रिश्वत के तौर पर दिए गए। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूँ, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूँ, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूँ, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। भी कहेंगे कि इन बदमाशों का ऐसा ही इलाज किया जाना चाहिए। खबर नासिक से है जहां पुलिस ने अपराधियों की बारात निकाली, पूरे शहर में इनको घुमाया। इन गुंडों पर आरोप है कि ये नासिक की दुकानों में गुंडा टैक्स हफ्ता वसूली करते हैं। ये है गुंडों की बारात, सिरदर्द बने बदमाशों का परफेक्ट इलाज। गुंडों की हेकड़ी निकालने का यह है अनोखा तरीका। एक, दो, तीन, चार, पांच लाइन में खड़े इन गुंडों को ध्यान से देख लीजिए। ये क्राइम करने वाले वो बदमाश हैं जो न सिर्फ अवैध वसूली करते थे बल्कि शहर के पूरे बाजार में अपने नाम से लोगों को डरा धमका कर दुकानों के सामान पर कब्जा भी करते थे। इन बदमाशों ने पब्लिक के साथ साथ पुलिस की भी नाक में दम कर रखा था और अब इन्हें अपने क्राइम की सजा मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इन पांचों अपराधियों को वो सबक सिखाया जिसके बाद से आसपास के सभी गुंडे खौफ में हैं। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने ये कारनामा कर दिखाया है जहाँ अपराधियों को सजा से पहले पूरे शहर में घुमाया और हर उस जगह लेकर गए जहाँ से ये हफ्ता वसूली करते थे। पुलिस की इस एक्शन का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि बाजार में लोगों के दिल से गुंडों का डर भी खत्म हो गया और अपराधी भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। पूरा शहर पुलिस के इस एक्शन की तारीफ कर रहा है। त्याच्यामध्ये आपण 3-7 सारखा गंभीर गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये पोलिसांनी स्वतः पुढाकार घेऊन फिर्यादी पोलिसांतर्फे झालेला आहे। त्यामध्ये आतापर्यंत 14 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। इन गुंडों पर आरोप है कि ये नासिक की दुकानों से गुंडा टैक्स हफ्ता वसूली करते थे। हफ्ता नहीं देने पर हाल ही में इन बदमाशों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला भी किया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिसके बाद इन गुंडों की भरे बाजार में परेड निकाली गई।